हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना गया है। भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन स्थित नाग चंद्रेश्वर का, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्पशैया पर विराजित हैं। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर ही दर्शन के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फल फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। कहते हैं ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। अब सब शांति रहिए, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। मन में जप करेंगे भाई। अभी आराम से चलिए भाई साहब। स्नानं समर्पयामि शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो महिमालताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्वतनेरायपशुकलैकर्णाजामावलितारोद्रान्नभोरूपाः भारधन्याः। मोबाइल हटा ना, मोबाइल हटा जल्दी जल्दी हटा। आप दीजिए आप दीजिए। हाँ जी अनेक तरह अब बहुत सारा पूछो जितना बोलिए बहुत सारी है। मोबाइल लो अंदर मैडम, मोबाइल नहीं बोले क्या? को ज्ञात है
कि प्रत्येक वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर का एक के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बनाई जाती है। उसी क्रम में आज भी नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए और श्रद्धालुओं के लिए आम दर्शन प्रारंभ किए गए। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसमें से एक पूजन हम लोग अभी अभी करके आए हैं और अब दोपहर में 12 बजे जो शासकीय पूजा होती है उस पूजा में पूजा की जाएगी और उसके पश्चात फिर संध्या आरती की जाएगी और उसके पश्चात फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम को इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोला। प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रियों में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की ये अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है और उसमें जब नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है, उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में सक्षम होता है। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की अपनी परंपरा है और उसी परंपरा के अंदर श्रावण मास में नित्य नए यहाँ भगवान की सेवा हो रही है। आज नागपंचमी का दिन है और नागपंचमी पर्व होने के कारण भगवान स्वयं भोलेनाथ जो महाकालेश्वर के नाम से हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर विख्यात है, उनको शेष नारक नाग धारण कराया गया और यही शेष नाग का धारण कराना पंचमी पर्व मनाने का महत्व है। भगवान को जो शेष नाग धारण किया उसका दर्शन करना और साथ ही इस मंदिर के अंदर वर्ष में एक बार जो यहाँ तीसरे स्थान पर मंदिर का तीसरे खंड पे शेष सैया के ऊपर भगवान शिव विराजित है उसके दर्शन साल में एक बार खोले जाते हैं, उसके भी दर्शन आज भक्तगण करते हैं और सतत ये सिलसिला रात्रि 11 बजे तक चलता रहेगा। जो शेषनाग भगवान पे अभी धारण कराया जाएगा वो भी भगवान का यहाँ पर जब तक पट रहेंगे 11 बजे तब तक भगवान को धारण रहेगा और भगवान का उसका दर्शन सभी भक्तों को शेषनाग का होगा। कोविड के चलते 2 साल से मंदिर के पट नहीं खुले थे एक्चुअली, मगर क्राउड के जनता को अलाउ नहीं था। आज 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते आज दर्शन करने को मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं और बड़ा आनंदित महसूस हो रहा है। नागपंचमी आरंभ होने पर रात 12 बजे मंदिरों के पट खुलते हैं और दूसरे दिन रात 12 बजे अगले एक वर्ष तक के लिए बंद हो जाते हैं। उसी क्रम में रात्रि को नागचंद्रेश्वर के पट खुले जिसमें महंत वनित गिरी महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूजन अर्चन किया। ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ